हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए एसएससी मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज में एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम का एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका और ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। आप इस क्वेश्चन को देख के यही कहेंगे कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो मैथ के 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके टू द टॉपिक या टू द रिलेवेंट टॉपिक से होते हैं, लेकिन इजी होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के में आपको जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का मान होता है, वो रखना है और सॉल्व करना है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो स्क्वायर में भी दिए हुए हैं, तो ध्यान रहे, गलत ना हो, लेकिन आसान समझ के इसे हल्के में ना लें। तो चलिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 sin 30, यानी कि 30 डिग्री मल्टीप्लाई में और 8 पहले लिखा हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाई में आगे करना, साइन स्क्वायर 60 है, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस sec स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 30 दे रखा। तो देखिए यहां पे 8 गुना साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 रखेंगे, ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुना साइन 90 की मान होता 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका sec 45 की जो वैल्यू होती है √2 होती है और उसका भी स्क्वायर दे रखा, ठीक है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिए कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले या साइन थीटा स्क्वायर लिखा हुआ मिले, तो ये जो एंगल के साथ स्क्वायर होता है हम इसे एंगल पे ही रहने देते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, कभी भी जो एंगल के अपॉन में मल्टीप्लाई में या फिर स्क्वायर लिखा हुआ है पावर में उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो एंगल के साथ ही चलता है, ध्यान रखें उसी से, ठीक है। तो चलिए, अपॉन में लिखा है tan 45 का मान होगा 1 और उसका स्क्वायर, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए cot 30 की वही वैल्यू होती है जो आपकी tan 60 की होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, ये आपका 3 आएगा और नीचे 4 आएगा, -4 और -2 इस तरीके से, ठीक है। आगे आपका क्या आ रहा है, देखिए यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे √3 का जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है अगर उसकी दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपका हट जाता है, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा माइनस का, 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका क्या बन रहा है -4 -2, तो ये बन रहा है आपका -6, तो 3 - 6/2 क्योंकि 1 + 4 - 3 है तो माइनस कट जाएगा, ऊपर से आएगा -3 / -2, तो माइनस से माइनस से कट जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कट जाता है क्योंकि अंश और हर में जो माइनस माइनस हो तो कट जाता है, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का जो आंसर है 3/2 है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।